तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लवीनो, जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, उनकी तरह कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और मैं हर एक सीन्स में काफ़ी अच्छी आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह खेल सकते हैं, लवीनो की तरह सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल सकते हैं और अच्छे खासे किल्स ले सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ मैं उतरा था, सबसे पहले गाइस कवर में रहो। अब देखो, जैसे सामने बंदा आ रहा है और मैं कवर में हूँ। देखा, अब यहाँ आपने देखा होगा कि मैं पहले कवर में था, उस बंदे को आने दिया। तो मोस्टली ट्राई करो कि आप कवर में रहो, हर जगह कवर, मतलब बंदे को कवर ले लेके मारो। गाइस, हमेशा याद रखो कि बंदे को कवर में ले लेके मारो। आप पूरी वीडियो देखोगे तो मैंने आपने पूरी वीडियो में नोटिस करना कि मैं बंदों को जो मार रहा हूँ वो कवर में रह कर मार रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं जा रहा भाई खुले में घूम रहा हूँ, नहीं, बंदों को कवर में मार रहा हूँ। तो यहाँ एक बंदा जो नॉक था उसको हमने किल कर लेते हैं, और एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे बाहर से, तो भाई देखो अब उसे कैसे खाते हैं फटाफट। और गाइस, सबसे अच्छा आपको सोलो से स्क्वाड खेलने के लिए आपको दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो अच्छा डिवाइस, दूसरा होना चाहिए अच्छे हेडफोन्स। हेडफोन्स अच्छे होने चाहिए। और गाइस, मेक श्योर कि आपके आसपास ज़्यादा आवाज़ें ना आ रही हो, मतलब काफ़ी डीजे वीजे ना बज रहा, मतलब तेज तेज आवाज़ ना आ रही हो। उससे क्या होता है ना, फिर क्या होता है, आपको बंदों के फुटस्टेप अच्छे से सुनाई नहीं देते, और बंदों के फुटस्टेप को आप सुनो कि बंदों के फुटस्टेप आ कहाँ से रहे हैं। अब जैसे आपने देखा कि ये दोनों बंदे इधर उधर घूम रहे होते हैं, मेरे को कोई पता नहीं था कि मेरे को ESP हैक नहीं लगा रखे मैंने, मेरे को बंदों की बस आवाज़ आई कि बंदे इस तरफ हैं, तो मैं भाई उनको किल करने पहुंच गया। तो बस, और उनमें से एक बंदे को मैंने किल कर लिया, पूरी पेटी बना दी उसकी, और एक बंदा ATP भी ले रहा था, तो जगह चेंज करके मारते हैं उसको। गाइस, हमेशा याद रखना कि अगर सामने वाला बंदा TP भी ले रहा है, तो या तो उसके ऊपर नेड, उसके आस पास नेड करो, मॉली करो, या तो स्टन ग्रेनेड करो, मतलब कुछ भी फैंग, कुछ भी मतलब थ्रो करो, मूवेबल थ्रोवेबल आइटम उसके पास थ्रो करो, जिससे क्या होगा बंदा अपनी लोकेशन चेंज करेगा। या फिर एक काम करो, फ्लैंक करो, अगर उस बंदे उधर राइट, जैसे अब उस बंदे को पता है कि तुम कहाँ पर हो, तो भाई अपनी लगे जगह चेंज कर लो, उससे क्या होगा आप उसे आसानी से किल कर पाओगे। तो यहाँ मिलिट्री से जैसे निकलते हैं, तो भाई एक बंदा पीछे से फायर देता है, तो भाई देखो कैसे खाते हैं उसको। देखो भाई, उस बंदे ने क्या स्प्रे दिया, तो अब देखना है मैं उस बंदे को मारूंगा कैसे। उस बंदे को पहले अपनी तरफ आने दूंगा, और गाय जब भी हम बंदे क्या करते हैं ना, जैसे अब किसी बंदे ने, जैसे आपने किसी बंदे को खून कम कर दिया, तो आप उस पर रश करने जाओगे, तो आप बड़े मतलब देख दाग कर जाओगे कि बंदा हमें मार ना दे, मतलब इधर उधर बंदा, वो बंदा एग्जैक्ट बंदे की पोजीशन पता होगी ना, तो मैं तो तब बंदे के पास मार जाओगे रश। गाय अगर आप किसी भी बंदे के पास रश करने जा रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपको उस बंदे की लोकेशन पता हो। अगर आप एवं ही रश करने भाग जाओगे ना, तो आप हमेशा मारोगे, क्योंकि आपको उस बंदे की लोकेशन पता नहीं कि वो बंदा एग्जैक्ट है कहाँ। जब तक बंदे पर रश करने मत जाओ, जब तक बंदे की लोकेशन आपको तमीज़ में नहीं पता, तो इस बात को हमेशा याद रखना गाइस। तो यहाँ हम ब्रिज से जैसे जा रहे थे, तो भाई देखो ये बंदे क्या ही गलती करते हैं, मतलब भाई यहाँ खुले में मज़े में मस्ती काट रहे हैं। भाई देखियो, दोनों बंदों को मैं गाड़ी से कुचल देता हूँ। यहाँ मैंने दोनों बंदों को गाड़ी से कुचल देता, और एक बंदा इनका लेट गया था, जो कि मुझे रेंगने की आवाज़ आई, और वो उस बंदे ने मेरे को देख भी नहीं पाया कि मैं हूँ कहाँ। तो गाइस, हमेशा याद रखो, अगर आपके अगर आप ऐसे किसी गाड़ी को मतलब खुले में किसी बंदे को मार रहे हो, और आप उसके काफ़ी क्लोज हो, और आपको लग रहा है कि आप यहाँ मर सकते हो, तो गाइस इस मैच तो आप लेट जाओ, सिंपल वे है कि आप लेट जाओ। और गाइस, इसमें एक और ट्रिप मैं देना चाहूँगा, अगर आपकी गाड़ी किसी ऐसी ढलान पे गिर जाती है, तो रिवर्स गियर में ले लो। देखो कितनी स्टीप है ये, मतलब कितनी गहरी, मतलब कितना गहरा गड्ढा सा है ये, और मैंने भाई इसमें गाड़ी यूँ चढ़ा दी मुझे। तो यहाँ हम उन बंदों को मारने के बाद आते हैं भाई पोचिंग की में। अब यहाँ भी देखना है भाई, बंदे मुझे में घूमते फिर रहे हैं खुले में। ये देखो, एक बंदा ये घूम रहा है, और एक बंदे सर वहाँ घूम रहे हैं, मतलब दोनों खुले में बंदे घूम रहे हैं। और अब देखना गाइस, और हमेशा याद रखना कि अब इन बंदों को देखना मैं गाइस कैसे खाता हूँ। पहले इस सीन को देखो कि मैं उन बंदों को कैसे खा रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ ये तीनों बंदे भाई ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस देखो, आपने मैंने क्या करा, समझो ध्यान से कि मैंने एक मतलब एक ही जगह पर नहीं रहा, मैं इधर उधर लगा चेंज करता रहा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसे क्या होता है, जैसे अब सामने कोई स्क्वाड है,
अब सामने के चारों के माइक ऑन है, वो चारों का अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है, तो आप मतलब क्या होगा, अब जैसे आपने एक बंदे को सामने वाले स्क्वाड के एक बंदे को किल कर लिया, तो उसका दूसरा वो बंदा जो किल हुआ वो बता देगा कि ये बंदा इधर है, और वो दूसरे दोनों तीनों बंदे आ गए तुम पे रश कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो भाई ये चीज़ मत करो, जगह चेंज करते रहो कभी, इधर से उधर, मतलब बंदों को ऐसे मारो, मतलब बंदों को कन्फ्यूज़ कर दो कि ये अकेला बंदा है या चार बंदे हैं। बंदे को ये लगना चाहिए कि ये अकेला बंदा तो बिल्कुल नहीं है, चार बंदे हैं, जिससे क्या होगा बंदे डरेंगे थोड़ा। और किसी भी स्क्वाड का अगर एक बंदा नॉक हो जाता है ना, तो वो स्क्वाड भाई होपलेस हो जाती है, और वही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद भाई आ जाते हैं हम रोज़ोक में। तो रोज़ोक में यहाँ भाई घमासान युद्ध छिड़ रहा था, तो भाई हम भी थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं युद्ध में। देखो भाई अब क्या होता है, अब यहाँ आपने देखा कि मैंने उस बंदे को हिट दिया और एकदम झटके से पीछे हो गया। उससे क्या होता है ना कभी कभी कि जैसे आप किसी बंदे को आपने हिट दिया, मतलब सामने से भी हिट आ रहा है आप पे और आप भी उसको हिट दे रहे हो, तो क्या होता है ना कभी कभी, जैसे अब मैंने अब इस बंदे को नॉक करा, तो ऐसे भी हो सकता है उस बंदे ने नॉक होने से जस्ट कुछ सेकेंड मिनट तुरंत ही एक गोली फायर करी हो, और मैंने मतलब उस बंदे को नॉक करते मैं तुरंत कवर में आ गया। उससे ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सामने वाले बंदे ने गोली फायर करी और वो आते आते आप पे आप एकदम हट गए वहाँ से, तो उससे क्या होता है गोली सीधी चली जाती है। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि मेरा क्या मतलब क्या है। अब यहाँ ये बंदा भाई पता नहीं किसको फायर दे रहा था। देखो भाई ये बंदा इसके पास या तो अच्छी हेडफोन नहीं होगी या ये बिना हेडफोन के खेल रहा होगा, क्योंकि भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ ही फायर कर रहा था, इस बंदे ने मेरे को फायर ही नहीं करी। अब देखो भाई मतलब ये क्या कैंपिंग करके बैठे हैं, इन्होंने गलती करी भाई, ऐसे मत करा करो कभी भी अगर आप भी ऐसे कैंपर में से एक हो। तो भाई देखो ये बंदे क्या ऐसे कैंप करके बैठे हैं। अब इसके दूसरे टीम मेट ने तो अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो ऊपर से कूद गया, लेकिन वो नीचे जाके भाई सब सरकार हेल्थ लगा रहे थे, और भाई उन्हें पता है कि जब मैं ऊपर हूँ तो हेल्थ लगा के भाई ऊपर क्यों नहीं आए। अब देखना गाइस कि हम उनके साथ बेचारों के साथ क्या होगा, और इसको हमने किल कर भी लिया। तो यहाँ पीछे से इनको मारते वक्त भाई पीछे से स्क्वाड आया, उसमें से और एक स्क्वाड पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारी फाइट में। तो देखो भाई उन्हें कहते खाते, अब देखो भाई वो बंदे मेरे पे पीक ही करके बैठे हैं, और ये भाई उनका नेगेटिव पॉइंट है कि मेरे पे देख कर बैठे हैं। आप क्या करो, या तो विंडोज पे लेट जाओ, मतलब अपनी थूत मत दिखाओ बंदों को, उन्हें मौका मत दो बंदों को मारने को। और ये गाड़ी और जाती भाई, इस गाड़ी में भी हम हिट देने की कोशिश करते हैं, और ये मेरी गाड़ी मेरे एंड में रश करेगी भाई, देखना मतलब तबाही होने वाली है इस मैच में। तो यहाँ मैंने स्क्वाड में से एक बंदा नॉक कर दिया था, और भाई ये भी बंदे कैंपर्स ही थे, बहुत तकड़े वाले, मतलब पूरे घर में फैले पड़े थे यहाँ बंदे कैंपिंग, इतने नेक्स्ट लेवल कैंपिंग कर रहे थे। और यहाँ मेरे को पीछे से पड़ रही थी कार 98। तो गाइस अगर आप ऐसे कहीं भाग रहे हो और आपको पीछे खुले में से भाग रहे हो और आप पे गोली पड़े, तो या तो जंप करते रहो या ज़िगज़ैग मोड में भागो, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे करके भागो। और मेक श्योर अगर आप किसी घर में रश कर रहे हो तो भाई सबसे पहले नेड करो, अगर जब तक मत भागो जब तक उस घर में एक बंदा नॉक ना हो जाए, मतलब जैसे मैंने इस घर में एक नॉक कर दिया बंदा, मैं तब रश करने लगा हूँ, और जब मतलब जितने नेड़ा मैं वेस्ट करूँगा, मतलब यहाँ मैंने एक गलती करी कि यहाँ मैंने नेट यहाँ से डाला, अगर मैं दूसरी तरफ से डालता तो बंदा गारंटेड दो नॉक थे, दो नॉक हो जाते। लेकिन फिर भी भाई कैंपर बंदे हैं भाई, तो यहाँ एक बंदा कैंपर लेटा हुआ था। तो यहाँ ये तीनों बंदे ख़त्म हो गए थे, जो कि एक बंदा तो मेरे नेट से मर गया था, और दो बंदे भाई यहाँ तो कैंप करके बैठे थे। तो यहाँ हमने दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया। अब वो जो गाड़ी वाले बंदे थे जिसमें गिली सूट वगैरह पहन रखा था, वो करते थे हाँ भाई मेरे पे रश, तो देखो भाई कैसे खाते हैं उनको फटाफट। यहाँ ये बंदा भाई खुले में से भाग कर आ रहे थे दोनों के दोनों बंदे, और इस बंदे ने तो भाई मेरे को मतलब इसको मैंने मौका ही नहीं दिया एक तरह से, ये कह सकते हैं कि फायर देने का। तो ये दोनों बंदे भाई गलती कर रहे थे कि ये दोनों मतलब जिम आपने मेरे को पूरे गेम प्ले में देखा कि मैं हर जगह कवर में रहा हूँ, लेकिन ये दोनों बंदे जो थी ये स्क्वाड आई थी मेरे भाग के थे भाई, ये कवर में ही नहीं आ रही थी। अगर ये कवर में से आ जाते तो शायद मेरे को मार सकते, क्योंकि ये चार बंदे थे और मैं था अकेला। अगर ये चारों में प्रवेश करते तो गारंटी में गया था, क्योंकि मेरे पे M249 ऐसी गन तो है नहीं कि भाई मैं 100 गोली उतार दूंगा पूरे घर में। भाई बैरल थी, रिलोड तो मांगती मेरी बैरल। तो यहाँ मैंने उनकी तीन बंदे नॉक कर दिए, और एक बंदा भाई पता नहीं उनका कहाँ था, तो किल करके चलते हैं यहाँ से फटाफट। कैसे आप किसी भी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखना, एथेना हो गया, लेवीनो हो गया, टेकाज हो गया, या कोई भी हो गया, तो गाइस उनका गेम प्ले देखो बिल्कुल ध्यान से कि वो लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ एक गाड़ी जा, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब मोस्टली देखना वो कि कवर में रहेंगे, अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, जैसे बंदों को कन्फ्यूज़ करेंगे, वो मोस्टली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, बंदों को कन्फ्यूज़ करते हैं, मतलब बंदा। और यहाँ मैं भाई गलती कर देता हूँ बहुत गंदे वाली, अब देखना गाइस भाई क्या गलती करूँगा यहाँ, वरना मेरे 31 किल तो मैंने कहीं नहीं गए, 30+ किल थे इस मैच में। ये भाई दोनों बंदे देखो ये भाई खुले में भाग रहे हैं,
अगर ये कवर लेके भागते हैं, इनके पास कोई व्हीकल वगैरह होता तो ये भाई इसके दो बंदे भी नहीं मरते यहाँ पर इस स्क्वाड के। लेकिन भाई अब वो देखो भाई, अब एक इसका एक बंदा नॉक हो गया तो ये नहीं कि उस बंदे को भी फटाफट स्मोक वगैरह करके पेड़ किसी पेड़ वगैरह की कवर ले लेनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, नागिन बन के फिरेंगे ये। तो यहाँ इसके दो बंदों को मैं कर देता हूँ पूरा फिनिश। अब यहाँ बैठ रहते हैं इसके दो बंदे, तो देखो भाई अब यहाँ मेरे साथ क्या ही स्कैम होने वाला है। अब देखो इसके थोड़ा सा अंग नज़र आ रहे थे, तो इसके अंग पे हम अंग लगाते हैं। अब भाई यहाँ देखना, मेरे को ये लगा कि वो पेड़ वाला पेड़ के जो पीछे बंदा है वो पीछे भाग गया, तो मैं सोचता हूँ कि भाई गाड़ी लेकर इस पर करते हैं रश, और बस यही गलती करी मैंने। और अब देखो भाई ये स्कोप सिक्सेस मैंने बैरल MK14 लगा दिया। ऑग पे, ऑग पे भाई मतलब कुछ सो लगा रहता था, 2x6x भाई कुछ भी नहीं, और यहाँ मैं निपट गया। ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी। तो गाइस ये गलती आप कभी मत करना। अगर यहाँ मेरे को क्या रखना चाहिए था, अगर मैं प्रोन करता तो शायद बच सकता था, या फिर ज़िगज़ैग कोई मतलब मूवमेंट करता खतरनाक वाली तो मैं नहीं मरता। लेकिन भाई अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नया आए तो, और बेल आइकन भी प्रेस करो, लाइक करो वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।